ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतनी सेंसिटिव। मेरा कभी ऐसी चीजों से वास्ता ही नहीं पड़ा। अब अंदाजा होता है फौजिया भाभी कैसे संभालती होंगी चीजें। तुम बार बार मुझे ये ताना क्यों दे रहे हो कि मैं उनको खुश करने के लिए ये सब कर रही हूँ? क्योंकि ऐसा है, साफ वाजे नजर आ रहा है। पता नहीं कौन सी कोई इनसिक्योरिटी है जिसको तुम कवर अप करने की कोशिश कर रही हो। गाड़ी रोको सर। जोया फिजूल बातें मत करो। मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। जोया रिलैक्स करो। तुम गाड़ी रोक रहे हो या मैं ऐसे ही उतरूं? उतर जाओ। ज़ैन मुझे आधे रास्ते में गाड़ी से उतार आया था। क्या ज़ैन, ये क्या हरकत थी? आपको छोड़े मैं देख लूंगा इसको। वो तो हमने देख लिया बेटा। शायद फूफा। बस तुम हमारे ज़ैन हो ही नहीं, नजर से उतर गए तुम आज। बेटा तुम्हारे लिए तो खास तौर पर दुआएं की, बल्कि एक सरप्राइज भी लाए हैं तुम्हारे लिए। कैसा सरप्राइज? तुमने हमें इतना अच्छा एक तोहफा दिया तो हमने सोचा हम भी तुम्हें एक तोहफा दें। एक मिनट, आ जाइए। आप अम्मी? भाई बहुत ही उम्दा सरप्राइज दिया आप लोगों ने। बाकी आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी खुश हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटा, हमें अंदाज़ा है। ज़ैन बेटा तुम तो आओ खाना खा लो। नहीं आंटी मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाएं। जोया तुम उसको बुलाओ। अम्मी रहने दे, भूख नहीं होगी उसे। जोया ठीक कह रही है भाभी, आप खाइए, उसकी फिक्र ना करें आप। अरे भाई तुम तो शाबाशी के मुस्तहिक हो, माशाल्लाह इतनी अच्छी तरबियत की है अपनी बेटी की, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा। एक अंदर की बात बताऊं, हमें अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू से मोहब्बत हो गई है। असल में तो जोया भी बहुत खुशकिस्मत है कि उसको आप सब जैसे इतनी प्यार करने वाले लोग मिले हैं। एक बात कहूं भाभी, नई आने वाली बहू को घर में सेटिंग बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जोया ने तो सबके दिल में सेटिंग बना ली है। जेब खाना बहुत मजे का है। थैंक यू, लेकिन मैंने नहीं बनाया है, जोया ने बनाया है। क्या वाकई? जी मुझे अम्मी ने सिखाया। वाह बे वाह, आपने तो वो कर दिया जो मैं कभी नहीं कर सकी। घर पे जब मैं इसको कहती थी कि किचन में खाना पकाना सीखो तो हमेशा उसके बीच में उसकी पढ़ाई आ जाती थी, और पढ़ाई के अलावा तो वो कोई काम ही नहीं करती थी। तो अच्छी बात है ना, पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल। क्या है? सालन दो भाई। बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जो बात करनी है करें अम्मी, क्या हुआ? तुम खुश हो? हाँ क्यों, क्या हुआ है? तुम्हारी पढ़ाई की वजह से कोई मसला तो नहीं हो रहा? आपको ऐसा कुछ लगा? आपने देखा नहीं मेरी सास तक मुझे कितना सपोर्ट करती है। हाँ मैं बस अपनी तसल्ली के लिए पूछ रही हूँ बेटा, वरना बाजार तो सब बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मी वैसे भी सब अच्छा ही है, सब घर वाले मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और ज़ैन? ज़ैन क्या? ज़ैन तुम्हारे साथ कैसा है? वो भी ठीक है। बेटा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारे और ज़ैन के बीच में कुछ खिंचाव सा है। नहीं नहीं अम्मी सब ठीक है। सॉरी। नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, आओ बैठो। अब तुम मुझे सच सच बताओ, ये जोया तुम्हें तंग तो नहीं करती? अम्मी ये क्या बताएगा, मैं खुद आपको बताती हूँ, मैं ज़ैन को बहुत तंग करती हूँ। अम्मी मुझसे पूछ रही है कि हमारी लड़ाई वड़ाई तो नहीं होती, उनको लग रहा है हमारे दरमियान कोई मसला चल रहा है। अरे नहीं नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, हम लड़ते थोड़ी हैं। अब ये झूठ बोल रहा है, लड़ाई हमारी बहुत होती है लेकिन दोस्ती भी हो जाती है। अल्लाह तुम दोनों की ये दोस्ती हमेशा सलामत रखे। चलो अब मैं चलती हूँ। अम्मी रुक जाए ना। नहीं बेटा घर जाके भी देखना है, इतने दिनों से बंद पड़ा हुआ है, तुम लोग चक्कर लगाना ठीक है। अम्मी मैं आ जाऊँ? हाँ आ जाओ आ जाओ।
ये ले जी, आपके लिए गरम गरम दूध, सारी थकन उतर जाएगी। जीती रहो। तुम्हारे और जैन के दरमियान कोई मसला है? नहीं। उसने साथ बैठ के खाना नहीं खाया और तुमने उसे बुलाया भी नहीं? वो उसकी रूटीन सारी आउट हुई हुई है ना, इसलिए खाने पीने की टाइमिंग भी इधर उधर हो गई है। खैर, पता है उम्र में मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं की, बल्कि सबसे ज्यादा दुआएं तुम्हारे लिए की मैंने। तो बस, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अल्लाह पाक से हमेशा दुआ करती थी कि मेरी एक प्यारी सी बेटी हो। मुझे क्या पता इस उम्र में अल्लाह पाक मुझे बेटी दे देंगे। उम्र पे मैंने ना अल्लाह से माफी भी बहुत मांगी, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए। अरे, क्या किया आपने मेरे साथ? कुछ भी नहीं किया। बदगुमानी तो की ना, मैं समझती थी कि तुम भी ना बाकी लोगों की तरह हो, लेकिन मुझे पता ही नहीं था तुम तो सबसे अलग हो। तुम्हारे जैसे लोग मैंने कभी देखे नहीं ना, तो तुम्हें पहचानने में थोड़ी सी देर करती। अरे, देर कहाँ की है आपने, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अल्लाह पाक तुम्हारी जिंदगी में ढेरों खुशियां भर दे। आमीन। ठीक हो ना? सुबह सुबह इस छिछोर पने की वजह पूछ सकती हूँ? दो वजहें हैं। एक तो ये कि I love you so much। इस बात का कुछ जवाब देना चाहेंगे? दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है कि कल 10 दिन बाद तुमने मुझसे बात की, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना पड़ा। जब तुम बातें करती ना तो जिंदगी बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। जैन, मेरी अम्मी काफी दिन बाद घर आई हैं। मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि हमारे घर में क्या तमाशे चल रहे हैं। मतलब ये कि हमारे दरमियान कुछ भी ठीक नहीं है, ज्यादा खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं। जोया, जैन मुझे बहुत काम है, अभी किचन में नाश्ता भी बनाना है, जगह दो मुझे। वालेकुम अस्सलाम बिल्लू, कैसे हो? मैंने आपको बहुत मिस किया। मक्खन थोड़ा कम लगाया करो तुम। मक्खन नहीं लगा रहा, सच कह रहा हूँ, घर में आपके वजह से ही तो रौनक है। अच्छा? हाँ, देखिए इतने दिनों से घर में लड़ाई झगड़े की कोई आवाज नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं सबसे लड़ती हूँ घर में? ये वाला गुस्सा, इसे मैंने बहुत मिस किया। बिल्लू तुम ना थोड़े से इंसान बन जाओ। अच्छा, अरे अम्मी आप दूसरे दिन किचन में आ गई, छोड़ दें, मैं बना लूंगी नाश्ता। अरे बेटा, इसमें क्या बड़ी बात है, जब मैं शादी होके इस घर में आई थी ना, उसके अगले दिन से किचन में आ गई थी, बस उसके बाद कभी ब्रेक ही नहीं लगा। फिर से वही पुरानी कैसेट। बिल्लू, अरे हाँ जोया, जरा जाके जैन से कहो कि बेकरी से डबल रोटी ले आए, खत्म हो गई है। बिल्लू जाओ, तुम जाके बोलो। एक मिनट। बिल्लू क्यों बोलेगा, तुम क्यों नहीं बोल रही? वो दरअसल 12 दिन से रोनो की लड़ाई चल रही है, बातचीत भी नहीं हो रही। ये सच कह रहा?
क्यों लड़ाई हुई तुम लोगों की? बैठ जा देख। क्यों लड़ाई हुई तुम लोगों की? जैन, जैन, तुम्हारे अंदर गैरत शर्म सब खत्म हो चुकी है। क्या हुआ है? थोड़े दिन के लिए मैं तुम्हें अकेला क्या छोड़ के गई, तुम तो आपे से ही बाहर हो गए। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? हुआ क्या है? ये क्या हरकत की है तुमने जोया के साथ? अच्छा, तो शिकायतों का सिलसिला भी शुरू हो गया। मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब तो मैं नहीं दूंगा। मुझसे बदतमीजी मत करना जैन। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, ये मामला मेरा और मेरी बीवी का है, आप इस बीच में मत बोले। अच्छा तो तुम मुझे बताओगे कि कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं? आपको जहाँ बोलना है आप बोलें, बस मेरे और मेरी बीवी के दरमियान मत बोलें, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ये मेरा फी वाउचर है, प्लीज जमा करवा दो। क्या मुमकिन है कि हमारी बातें हमारे दरमियान रहे? मैंने अम्मी को कुछ नहीं बताया। फिर क्यों, ने ख्वाब आया था? मेरी बात सुनोगे? अम्मी ने मुझे तुम्हें बुलाने को कहा था, मुझे तुमसे बात नहीं करनी थी, इसलिए वहां बिलाल था तो मैंने उसे कह दिया तुम्हें बुलाने को। फिर वो समझ गई कि मेरी तुमसे कोई बात हुई है। फिर उन्होंने पूछा, तुमने सब कुछ बता दिया? मैंने कुछ नहीं बताया, बिलाल वहां खड़ा था, उसी ने बताया। बिलाल मेरे हाथों नहीं बचे। सुनो, अब दोबारा कोई तमाशा ना खड़ा करना। थैंक यू फॉर योर एडवाइस। इतनी बदतमीजी से उसने मुझे जवाब दिया कि मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं, अपने काम से काम रखें। फौजिया, वो अपनी जॉब के सिलसिले में खासा परेशान है। तो इसका क्या मतलब है? उसको बदतमीजी करने का जवाब मिल गया क्या? थोड़ी स्पेस दो उसे, ठीक हो जाएगा। आपसे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं। ओ भाई, मुझसे बात करके तुमने कौन सा फायदा लेना है? जाके ना कान खींचे उसके। बीच रास्ते में जोया को गाड़ी से उतार दिया, ये बड़ी बात नहीं है आपके लिए? जोया ने तुमसे कहा इस मामले में कोई बात करो? नहीं, वो तो रोक रही थी मुझे। तो फिर मेरा भी बोलना नहीं बनता और तुम्हें भी नहीं बोलना चाहिए। ये क्या बात हुई? फौजिया, जैन बिल्कुल ठीक कह रहा था, ये उनका आपस का मामला है। अजीब बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ मैं। देखो, ऐसी नोक झोंक हर रिश्ते में होती है, ये उनको खुद सुलझाने दो, यही बेहतर है। तुम अपनी ज़बान काबू में नहीं रख सकते? क्या हुआ ज़ैन भाई? क्या हुआ क्या मतलब? अम्मी को जाके क्यों बताया तुमने कि मेरे और ज़ोया के दरमियान क्या चल रहा है? वो तो उन्होंने खुद पूछा था। और तुमने जाके सब कुछ बता दिया? बच्चे हो, बच्चे नहीं बन के रह सकते तुम। सॉरी तुम तो करो ज़ैन। हाथ मत लगाना बिल्लू को, और आज तुमने इस तरह पकड़ा है, आइंदा में ये हरकत नहीं देखूं कभी। आप इसकी हरकत नहीं देख रही, ये क्या कर रहा है? तो वो बोल रहा है ना सॉरी, और ये पहली दफा नहीं हुआ है। अरे पहली, दूसरी, तीसरी, जितनी भी दफा हो, मुझे नहीं पसंद कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात करे। उसने कोई पर्सनल बात नहीं की, उसने अभी बोला ना कि भाभी ने उससे पूछा। इंक्वायरी करती रहती है, इस घर में किसी का दिमाग ठीक नहीं है। हो सकता है कि सबका दिमाग ठीक हो और तुम्हारा खराब हो गया हो। Monetary standards and theory of money and prices. Money has been defined in various ways. Some say money is what money does. It does anything that does the function. Aye. मिस ज़ोया सलीम। जी मैम, आपने फीस सबमिट नहीं करवाई? मैम वो मुझे पता नहीं था। अब तो पता चल गया है ना, तो काइंडली अब जमा करवा दीजिएगा। जी।
In the widest sense, the term money includes all media of exchange. मैं जैनी बात कर रहा हूँ, मैंने आपको अपनी सीवी दी थी, मैंने पूछा था कि क्या स्टेटस है। चलो ठीक है, थैंक यू। मैंने तुम्हें फी वाउचर दिया था अपना जमा करवाने के लिए, कहाँ है, क्यों नहीं जमा करवाया? जैन मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे बात कर रही हूँ? मुझे बात तुम करती है कब, भूल गई? मुझे नाराज थी, मैं से बात भी नहीं कर रही थी। बात बदलने की कोशिश मत करो, मुझे सीधी तरह बताओ तुमने क्यों नहीं जमा करवाया। जानबूझ कर नहीं करवाई ताकि तुम और मुझसे बात करो। तुम्हें और कोई तरीका नहीं मिला था टेंशन सीख करने का? नहीं, मुझे तो यही बेस्ट तरीका मिला था। तुम्हारी वजह से मुझे क्लास में शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कल शराफत से फीस जमा करवा देना। नहीं करवाऊंगा, जब तक तुम मुझसे सही तरीके से बात नहीं करोगे मैं तुम्हारी फीस जमा नहीं करवाऊंगा। शायद तुम भूल रहे हो कि तुमने एक शर्तनामा साइन किया जिसमें ये लिखा है कि तुम मेरी पढ़ाई को हर तरह से सपोर्ट करोगे। भाड़ में गया ये शर्तनामा, मोहब्बत में आके साइन किया था, उससे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। ठीक है, फीस तो कल ही जमा होगी। मायका भाभी के शोहर ने खाने पे बुलाया, पता नहीं अब आपकी मर्जी अगर जाने। अब मुझे आपसे एक काम है। हाँ हाँ बेटा बोलो। वो आप मेरे सेमेस्टर की फीस पे कर देंगे प्लीज? मैंने जैन से कहा था लेकिन उसने मना कर दिया, मैं पक्का प्रॉमिस आपको रिटर्न कर दूंगी। अरे ये क्या बात कर दी आपने, भला बाप बेटी में भी कोई हिसाब किताब होता है क्या? लेकिन जैन ने कहा क्या मुझे बताओ? उसने मना कर दिया। सुन रहे हैं आप? हाँ तो उसकी नौकरी नहीं है ना, फिर उसने हमें उम्रे पर भी तो भेजा था, नहीं होंगे पैसे। फुरकान भाई ठीक कह रहे हैं भाभी, उसका हाथ तंग होगा और वैसे भी जॉब ना होना तो इंसान को सेटिंग तो बनानी पड़ती है। नहीं 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 नहीं, पैसे हैं उसके पास, सिर्फ मुझे तंग करने के लिए मेरी फी नहीं पे कर रहा, वो साफ कहा है उसने। सुन लिया आपने, पानी सर से ऊपर चला गया, चले चल के बात करें, क्यों इतना दिमाग खराब हो गया इस लड़के का, उठे बात करें। अरे आए ना आप मेरे साथ, बात तो करें, दफा कुछ बोलते ही नहीं आप। अंदर आए, करें इससे बात, मुझसे भी इसने बहुत बदतमीजी की है, पता नहीं इसका दिमाग कौन से आसमान पे रहता है। जोया की फीस जमा कराने से क्यों मना किया? अब वो प्लीज आप इसके बीच में मत पड़िए। देख लिया, यही टका सा जवाब मुझे भी दिया था इसने। नैन ये क्या हरकतें कर रहे हो बेटा, पहले तुमने उसको बीच रास्ते में गाड़ी से उतार दिया और अब यूं तंग कर रहे हो उसे। वो मेरा और जोया का मसला है, हम आपस में हल कर लेंगे। नहीं नहीं बेटा, हम सब इसी घर में रहते हैं, इस घर का हर मसला हमारा भी मसला है। तुम मुझे बताओ क्या मसला है तुम्हारा, हाँ क्या बात है बोलो। सुनना चाहते हैं हम तो फिर सुने, मेरा मसला है आप लोग। दूसरों को बड़ापन दिखाने की बातें करते हो तो खुद भी बड़ापन दिखाते, रोकते जोया को। और आज फौजिया भाभी और फुरकान भाई के साथ जो तुमने बदतमीजी किया है ना, वो तो तुमने ताबूत में आखिरी कील गाड़ दी। जब समझाने बुझाने से बात ठीक हो सकती है तो ये प्लानिंग क्यों हो रही है? हाँ अगर वो फिर भी नहीं माने तो फिर देख लिया जा सकता है। देखो जेबी, अगर समझाने से समझता होता ना तो कब का समझ चुका होता। मैं शाहिद के मशवरे से मुत्तफिक हूँ। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे।